फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक सकुलेंट प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि एक पेरिनियल एवरग्रीन हर्बेसियस प्लांट है। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है ये हमारे गार्डन को, और मेरे गार्डन में ऐड किए हुए इसे काफ़ी टाइम हो गया, सालों से मैंने इसे अपने गार्डन में ऐड किया है। विंटर में भी मैंने इसकी केयर वीडियो शेयर की थी कि विंटर में इसकी केयर कैसे करनी है। आज का टॉपिक है कि हम इसकी समर केयर कैसे करें। समर सीजन में वेदर चेंज हो जाता है और ये सकुलेंट प्लांट है, धूप बहुत तेज़ होने लगती है, तो उस समय हमें इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी क्या नीड्स है जिसे पूरा करके मैंने इस प्लांट को इतना ब्यूटीफुल लुक दिया है। देखिए, प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, 8 इंच के पॉट में लगा है, पूरा जो पॉट है वो भर चुका है, ढेर सारी मल्टीपल ब्रांचेस बन के आ रही हैं, बुशी लुक बना चुका है, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि समर टाइम में आप इसकी केयर कैसे करेंगे कि आपका भी प्लांट इस तरह से ब्यूटीफुल लुक में आ जाए और अच्छी सी ग्रोथ करता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक सकुलेंट प्लांट है फ्रेंड, इसकी ब्यूटीफुल लुक की वजह से इसे कई नामों से जानते हैं। इसे व्हाइट वेलवेट भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए इनका जो लीफ होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लीव्स के ऊपर फैदर्स होते हैं, इस तरह से ढेर सारे रोएं बने होते हैं, इसलिए इसे व्हाइट गॉस्मर भी बोलते हैं और कॉब वेब स्पाइडर प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे मकड़ी के जाले जैसा रोया सा बना रहता है। तो इसके लुक की वजह से इसे कई नाम दिया गया है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम ट्रेजिसकैंटिया सिलामोंटाना है। स्क्रीन पे मैं सारा ही नाम दे दूंगी तो ईजिली आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और उस नाम से इस प्लांट को नर्सरी से परचेज कर पाएंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस प्लांट को नर्सरी में देखा था तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, इसका लुक ही बहुत अलग सा था, तो मैंने इसे परचेज करके अपने गार्डन में ऐड कर लिया था। अब इसे काफ़ी टाइम हो गया है गार्डन में ऐड हुए, तो इसलिए इसने इतना ब्यूटीफुल लुक बना लिया है, बुशी लुक में आ गया है। तो मैं इसकी कैसे केयर करती हूँ, बुशी लुक मैंने इसे कैसे दिया ये भी मैं बताती हूँ। देखिए, जब मैं नर्सरी से लाई थी तो छोटे से पॉली बैग में था, फिर मैंने इसे 8 इंच के पॉट में लगाया था, तो प्लांट ने अच्छी सी ग्रोथ की। अच्छा सा सॉइल मिक्सचर दिया था, सॉइल मिक्सचर मैंने क्या दिया था फ्रेंड, इसमें मैं फ्रेंड एक सकुलेंट प्लांट है तो इसका सॉइल मिक्सचर थोड़ा परफेक्ट बनाना पड़ता है, तभी प्लांट इस तरह से हेल्दी ग्रोथ करता है। तो मैंने जो सॉइल मिक्सचर लिया था उसमें 40% गार्डन सॉइल ले लिया था, उसी के साथ मैंने 40% रिवर सैंड भी ऐड कर लिया था, और साथ में प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो इसके लिए मैंने 20% कंपोस्ट ऐड किया था। इस तरह से मैंने एक परफेक्ट सॉइल मिक्सचर लिया था, उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड या नीम पाउडर भी आप ऐड कर देंगे तो प्लांट में किसी तरह के पेस्ट के अटैक नहीं होते हैं। तो ये सॉइल मिक्सचर लेके मैंने इस प्लांट को इस 8 इंच के पॉट में रिपोर्ट किया था, तो ऐसा सॉइल मिक्सचर बनाया इसलिए प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ की। उसके बाद मैंने इसका वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। देखिए फ्रेंड, जितने भी सकुलेंट प्लांट होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्टेम प्लांट होते हैं, देखिए लीव्स और ब्रांचेज में वाटर स्टोर रहता है, इसलिए इसमें बहुत लिमिटेड वाटरिंग करनी पड़ती, तभी प्लांट लंबे समय तक सर्वाइव करके आपके गार्डन में बना रहता है। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। देखिए, मैं इसकी सॉइल दिखाऊँ आपको, बिल्कुल ड्राई सॉइल है, मतलब बहुत कम वाटरिंग करनी पड़ती है। एक रफ्टअप प्लांट होता है, अगर आप इसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो ये बहुत ईजिली ग्रोथ करता रहता है। तो फ्रेंड, जब सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाती है तभी मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ। अगर आप इसमें बार बार वाटरिंग करते रहेंगे, सॉइल में बहुत ज़्यादा नमी बन जाएगी, तो क्या होगा, आपका प्लांट रूट रोट कर लेगा, पूरा का पूरा प्लांट गल के ख़राब हो जाएगा, फिर आप उसे नहीं बचा पाएंगे। तो चेक करके वाटरिंग करनी है, लिमिटेड वाटरिंग करनी है। उसके बाद सनलाइट की बात करें तो विंटर सीजन में सनलाइट अलग होती है, समर में अलग होती है। विंटर सीजन में मैंने इसे अच्छी सी सनलाइट दी थी, 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा था, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। लेकिन अब अप्रैल का महीना चल रहा है, अब मैं समर केयर की बात कर रही हूँ, तो इस समय आप इसको 2-3 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं। मैं इसे 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखती हूँ, तभी भी प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि सकुलेंट को अगर आप सनलाइट देते हैं तभी वो अच्छे शेप में रहता है। देखिए, इनकी लीव्स मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल पास पास लीव्स है ना, अगर आप इसे लो लाइट में रख देते हैं, इस पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पड़ती है, तो क्या होगा, इनके स्टेम के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है और वो देखने में अच्छा नहीं रहता है। और जब प्लांट बहुत तेज़ी से लंबा हो जाएगा ना, तो उसकी स्टेम इधर उधर गिरने लगती है, तो इस तरह से प्यारा सा लुक नहीं देता है। तो समर सीजन में भी आप इसको 2 से 3 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं, चाहे मॉर्निंग की सनलाइट हो चाहे इवनिंग की, तो इस तरह से बहुत अच्छे से शेप में रहेगा, अच्छा सा ग्रोथ करता रहेगा और प्लांट डैमेज भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, जब एक बार आप इसके सॉइल मिक्सचर में कंपोस्ट ऐड कर देते हैं प्लांट ग्रोथ करता रहता है, और ये पूरे साल ही ग्रोथ करने वाला प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, तो आप 6 मंथ की गैप पे इसमें जो कंपोस्ट है वो ऐड कर सकते हैं। कोई सा भी कंपोस्ट ले लीजिए, चाहे आप काउडंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं जो केंचुए की खाद बनती है, या फिर लीफ मोल्ड यानी कि पत्तियों की खाद ले सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक खाद लेके
आप इस प्लांट में 6 मंथ की गैप पे ऐड कर सकते हैं, यानी 1 साल में 2 बार। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और बुशी लुक बना लेगा। देखिए मुझे तो मेरा प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से इसकी समर केयर की वीडियो शेयर कर दूँ कि आपको ये प्लांट अच्छा लगता है तो आप भी फटाफट नर्सरी जाइए और इसे परचेज़ करके अपने गार्डन में ऐड कीजिए। फ्रेंड्स इसमें विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स खिल के आते हैं, छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। मेरे प्लांट में भी बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग हुई थी। अब समर सीजन चल रहा है, प्लांट ने ग्रोथ की है, तो जब ग्रोथ कर चुका है तो शायद इसमें समर सीजन में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो, तो आगे फ्लावर्स खिलेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों से वीडियो शेयर कर दूँगी। इसके बाद मैं इसके प्रोपोगेशन की बात करूँ तो ये ब्रांच के थ्रू बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो सकता है। देखिए इसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज है ना, इसे कट करके लगाते हैं, इतनी छोटी ब्रांच 2 से 3 इंच की ब्रांच कट करके लगाते हैं तो बहुत इजीली ये रूटिंग करके ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। लास्ट विंटर में जब इसने फ्लावरिंग की थी और बहुत अच्छी ग्रोथ की थी तो मैंने इसको प्रूनिंग कर दी थी। सारी जो ओल्ड ब्रांचेस थी वो थोड़ी सी डल हो गई थी, ड्राई हो गई थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो सभी को मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। उसके बाद इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई जनवरी फरवरी में, और उसके बाद इसमें ढेर सारी मल्टीपल ब्रांचेज बन के आई। मैं किसी भी साइड से दिखाऊँ ना, इसमें ढेर सारी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, अभी भी इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो ये पूरे साल ही ग्रोथ करने वाला पेरिनियर प्लांट है, तो आप इसे अपने गार्डन में बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं। देखिए हर तरफ से इसमें न्यू ब्रांचेस बन के आती रहती हैं और पूरे साल ये बुशी लुक में बनता रहता है। देखिए यहाँ से भी न्यू ब्रांचेस आ रही हैं, तो मैंने प्रूनिंग की थी तो ढेर सारी मल्टीपल ब्रांचेज बनी और इसने ऐसा बुशी लुक बना दिया। तो आप भी इस तरह से 6 महीने की गैप पे इसकी प्रूनिंग करते रहें, एक बार समर के बाद, एक बार विंटर के बाद। तो ये हुई इसकी प्रूनिंग और बुशी लुक देने का तरीका, और साथ में मैंने इसका प्रोपोगेशन भी बता दिया कि ये स्टेम के थ्रू बहुत ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है। कहीं से इतनी सी स्टेम मिलती है ना, तो आप इसे कट करिए, इसकी 2-3 लीव्स हटाइए, 1 से 1.5 इंच मिट्टी में लगा के और अच्छे से इसमें हल्की सी वाटरिंग करके और सनलाइट में रखना है। लो लाइट में नहीं रखेंगे, कटिंग लगाएंगे तभी भी 2-3 घंटे की सनलाइट में रखेंगे तभी वो जो कटिंग है सर्वाइव करके ग्रोथ कर पाएगा। लो लाइट में रख देंगे तो गल के खराब हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वाटर स्टोर रहता है। तो इस तरह से प्रोपोगेशन करना है। उसके बाद पेस्ट की बात करें तो इस पर पेस्ट लगता नहीं, अभी तक मेरे प्लांट पर पेस्ट नहीं लगा, मुझे समथिंग 1 ईयर हो चुका है। लेकिन अगर कभी आपके प्लांट पे बाई चांस पेस्ट लग जाते हैं तो आप उस पर निमोल का स्प्रे कर दीजिए, जो भी पेस्ट लगे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और इसके बारे में कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने इसकी कंप्लीट केयर बता दी है। फ्रेंड ये इसकी कंप्लीट केयर है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है, ये प्लांट पसंद आता है, इसकी जो मैंने केयर बताई वो पसंद आती है, तो आप भी इस प्लांट को नर्सरी से परचेज करें, उसकी इसी तरह से केयर करें जैसे मैंने बताई है, और अपने गार्डन में एक ब्यूटीफुल प्लांट तैयार करें। देखिए कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। तो मुझे यकीन है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले ये प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करना है ताकि जैसे ही मैं कोई चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए और आप उसे देखकर अपने प्लांट की केयर कर सके। देखिए इनका जो बैक साइड में होता है थोड़ी सी पर्पल कलर बन के आता है और ऊपर से इसमें ग्रीन कलर होता है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। तो ये प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। लीव के बैक साइड में भी फैदर होता है और फ्रंट पे भी फेदर्स होते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ही गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल और प्रिटी लुक देने वाला है। तो बस यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी किसी नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गार्डन के सभी प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।